जय स्टूडेंट, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ NIOS के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और इस साल एग्जाम देने वाले हैं, या फिर जिन्होंने कभी लास्ट ईयर में एग्जाम देके 10th या 12th को क्वालिफाई कर लिया है, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने कभी NIOS से 10th या 12th किया था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किस चीज को लेकर, डॉक्यूमेंट में करेक्शन को लेकर, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि करेक्शन जो है एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है NIOS में। अगर कोई भी चीज गलत हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए बहुत सारे जो है यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है और बहुत बार जो है उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो आज भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। इतने कमेंट्स और इतने मैसेज हमने और किसी टॉपिक में नहीं देखे हैं जो कि करेक्शन को लेकर आए हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई भी करेक्शन कराना चाहता है। तो मैं आज इस वीडियो में ना बारीकी से आपको सब कुछ बताऊंगा, क्या करेक्शन हो सकता है, क्या करेक्शन नहीं हो सकता है, किसका करेक्शन होगा, किसका नहीं होगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको करेक्शन करने के लिए, और कितना टाइम पीरियड इसमें लगेगा जो आपके डॉक्यूमेंट करेक्शन हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये इतनी बड़ी समस्या है कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने बहुत एक वीडियो बनाया था जिसमें कैसे NIOS पे करेक्शन करे, फिर यह था कि करेक्शन में डेट ऑफ बर्थ, नेम चेंज, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, कैसे होता है करेक्शन, हमको ये चीज बताया था। फिर NIOS में करेक्शन करने के नियम, नए नियम जो आए थे उसको लेकर मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया था। फिर एक ये दिया था कि बहुत आसान है NIOS में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना अगर आपको आता है। दूसरा, साथ ही साथ में आपको कैसे मार्कशीट में करेक्शन करना है। तो इतनी सारी मेहनत ऑलरेडी करी हुई है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी लगता है कि अभी भी आप लोगों में कोई ना कोई कंफ्यूजन है। तो आज का ये वीडियो बिल्कुल आपको कंफ्यूजन दूर कर देगा। तो मेरा गुजारिश सिर्फ यह है, लास्ट तक देखिए इस वीडियो को ताकि जो है आपका समस्या दूर हो सके। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि हम लोगों को क्या क्या करेक्शंस होती है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है। उसमें ये देखा गया है आपका कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिन लोगों को कोई ना कोई यहाँ पर दिक्कत रहता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें कि करेक्शन इन NIOS डॉक्यूमेंट्स अगर आपको कराना है तो मोस्टली क्या क्या रहता है यहाँ पर, एक तो रहता है कैंडिडेट नेम चेंज करना, यानी कि जिसके नाम से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसी के नाम में कोई गड़बड़ हो गई है वो चेंज कराना हो, या फिर मदर या फादर का नेम चेंज कराना हो, मदर के फादर में कोई भी चीज हो गया, सर नेम लग गया हो या नहीं लगा हो या मिड नेम हट गया हो, उस तरीके की कोई समस्या। और सबसे जो मेजर समस्या रहती है वो तो डेट ऑफ बर्थ की है। ये तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हर एक की रहती है कि डेट ऑफ बर्थ जो है कहीं ना कहीं पे जो है चेंज कराना है और कैसे होगा, इस सब को लेकर यहाँ पे स्टूडेंट बहुत बार पूछते हैं। और डेट ऑफ बर्थ को लेकर मैं स्पेशली यहाँ पे बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कैसे करेंगे हम लोग। साथ साथ में कुछ स्टूडेंट फोटोग्राफ चेंज कराना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं, कुछ लोग रिलीजन चेंज कराना चाहते हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख या कोई भी आपका हो, या कुछ अपना प्रीवियस क्वालिफिकेशन चेंज कराना चाहते हो कि 10th पास था फेल करना है, फेल था पास करना है, जेंडर चेंज करना हो मेल फीमेल से, और मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश, हिंदी, गुजराती कौन सा चाहिए आपको, एंड आपका मोबाइल नंबर। अब देखिए, मैं जो यहाँ पर एक चीज आपको बता देता हूँ कि इन सब चीज में ना ये जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं इधर वाली साइड वाले, ये तो एक ऐसी करेक्शन है जो नॉर्मली हर स्टूडेंट की हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और इसकी बाद में कोई ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ती है अगर आप एक बार जो है क्वालिफाई कर लेते हो, क्योंकि ये कहीं पे भी आपके जो है ना मार्कशीट में मेंशन नहीं होता है। और लेकिन समस्या आती है किन चीजों की, तीन चीज की, तीन यहाँ पर मेजर चीजें अगर मैं आपको दिखाऊं कि कौन कौन सी वो तीन चीजें हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका एक तो ये कैंडिडेट नेम, ये कैंडिडेट नेम ऐसा है जिसमें बहुत बार गड़बड़ होती है, इसको चेंज कराना बहुत मुश्किल है, क्या नियम है उसके लिए आपके लेके बात करेंगे। फिर है मदर फादर का नाम, और स्पेशली जैसे मैंने बोला डेट ऑफ बर्थ तो है, डेट ऑफ बर्थ तो एक ऐसी चीज है कि जो मोस्ट ऑफ द 10 में से हर एक स्टूडेंट के साथ में प्रॉब्लम हुई है। लेकिन इसको मैं कैसे करेक्शन करना है उससे पहले आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूँ, उसको पहले समझ लीजिए तब आपका जो है डाउट क्लियर होगा। यहाँ पर क्या चीज है वो, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको ना एक डिफरेंस समझना है, किस चीज के बारे में डिफरेंस समझना है यहाँ पर आपको करेक्शन को लेकर और चेंज को लेकर, कि करेक्शन क्या होता है और चेंज क्या होता है। तो पहले मैं समझा देता हूं आपको। देखो करेक्शन क्या होता है, करेक्शन में क्या होता है, जब एक माइनर मिस्टेक होती है, माइनर मिस्टेक मतलब एक अल्फाबेट में मिस्टेक हो गया,
या फिर कोई डेट में एक जो है डेट में आगे पीछे हो गया, इस तरीके का जो होता है वो ना करेक्शन में आता है। कैसे, जैसे मैं बोलूं आपको कि यहां पे लिखना था मोहन लाल, कि मोहन लाल नाम है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, गलती से, ये तो करेक्ट नेम था मोहन लाल, लेकिन गलती से उन्होंने क्या कर दिया, एम ओ एच ए की जगह ई कर दिया, मोहन लाल। तो अगर अब हम यहां पर देखें तो यहां पे जो आपका करेक्शन होना है वो किस चीज का होना है, सिर्फ एक ए जो है वो आना था जो करेक्ट था, और उसकी जगह गलती से क्या आ गया, ई आ गया। तो ऐसी कोई मिस्टेक जब होती है तो वो हमारे किसके अंडर में आती है, वो आती है करेक्शन के अंडर में, कि ये करेक्शन हो रहा है, कि आपका जो है कोई एक अल्फाबेट चेंज हो गया। या फिर अगर मैं आपको यहां पर बताऊं कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे, तो डेट ऑफ बर्थ में आपका क्या है कि जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 26/2004, अब 26/2004 आपका जो है डेट ऑफ बर्थ है, और गलती से ये हो गया 28/2004। तो अब यहां पे करेक्शन क्या है, करेक्शन यहां पे सिर्फ इतना सा है कि ये जो 6 था ये आना था, लेकिन गलती से जो है 8 आ गया, तो ये भी आपका क्या होगा, करेक्शन में आएगा। तो जो करेक्शन वाली चीजें होती है ना, वो माइनर चीजें होती है, वो आराम से जो है आपका चेंज हो सकता है। लेकिन यहां पर अब हम लोग बात करते हैं आगे कि किस तरीके से यहाँ पे आगे का होगा और चेंज कैसे करा जाता है वहां पे, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग कि चेंज में क्या होता है। चेंज में क्या होता है, जब आपका ना आप बोल रहे हो कि मेरा जो करेक्ट नेम है वो आपका है, आप कह रहे हो मेरा करेक्ट नेम है मोहन लाल, लेकिन ना वहां पे जो आपका जो है उसमें दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स में वो है सुरेश लाल। अब यहां पे क्या है, करेक्ट क्या है, मोहन लाल, और गलत क्या है, सुरेश लाल। तो अब ये क्या होता है कि यहां पर अगर आप बोल रहे हो कि सर मेरी करेक्शन है, मेरे को सुरेश लाल हटा के मुझे तो मोहन लाल करना है, या फिर मेरे को जो है यहाँ पे कोई मोहन सिंह लाल लगाना है, यहाँ पे मेरे को जो है अपना कोई मिड टर्म ऐड करना है, तो बेटा ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये आता है किसके, ये करेक्शन में नहीं आता, ये आता है चेंज के। और जब चेंज कराना पड़ता है ना, तो बहुत सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे गैजेट्स की जरूरत पड़ती है, न्यूज़पेपर ऐड की जरूरत पड़ती है, जब आप इस सिचुएशन में जा रहे होंगे। तो मैं आगे लेके चलता हूं आपको कि किस तरीके से हमको आगे की बात करनी है। यहां पर सबसे पहले देखो, तीन स्टेज होती है करंट स्टेज। अगर हम यहाँ पे क्या दिया हुआ, मैंने यहाँ पे करंट स्टेज, कि अभी आपको समझना है कि आप कौन सी स्टेज में हो। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ड्यूरिंग कोर्स। ड्यूरिंग कोर्स का मतलब है कि अभी आप रजिस्टर्ड हो एनआईएस में और आपने अभी पास नहीं हुए हो, अभी आपने एग्जाम नहीं दिया हुआ है और अभी आप पास नहीं हुए हो, अभी आपको एग्जाम देना है, तो आप आते हो इस स्टेज में, ड्यूरिंग कोर्स वाली स्टेज में, कि ये होता है। और ये जनरली कितने का होगा, ये 1 ईयर का होगा, कितने का होगा, 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर में एग्जाम हो जाते हैं। दूसरा, कुछ स्टूडेंट ऐसे है जो विद इन 3 ईयर्स है, यानी कि जो पास तो हो गए हैं लेकिन अभी हमको पिछले 3 साल के अंदर अंदर ही वो पास हुए हैं। जैसे अगर अभी हम बात करें कि अभी 2024 चल रहा है और उन्होंने पास ऑलरेडी कर लिया है 2023 में, ठीक है। अब 2023 में तो उन्होंने पास करा था ना, लेकिन उन्होंने एडमिशन कब लिया था, मान लीजिए एडमिशन लिया था 2022 में, तो 2022 से लेकर 2024 तक 2 साल हो रहे हैं, तो यानी कि 3 ईयर्स के अंडर में आ रहा है। यहां पर भी जो है सिचुएशन है कि यहां पे करेक्शन कैसे होगा उन लोगों के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस वाली सिचुएशन में होंगे। और जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट है, जो क्रिटिकल स्टूडेंट है, मोर देन थ्री इयर्स की मैं बात करूं, तो अब हम ये मान लेते हैं कि बिफोर 2021, अभी मैं जैसे ये वीडियो बना रहा हूं 2024 में, तो 2021 से पहले के जितने भी एडमिशन है अगर वो करेक्शन कराते हैं तो वो इस स्टेज में आते हैं, थर्ड स्टेज में आते हैं। और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ करेक्शन इन्हीं स्टूडेंट्स की है,
ऐसा क्यों है? उसका भी एक कारण है, क्योंकि 2018 से पहले NIOS बोर्ड में सारे काम मैनुअल हुआ करते थे, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मैनुअल, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होता था, मैनुअली चढ़ाया जाता था। तो मैनुअल जब होता है ना, तो हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपसे गलती हो जाए, कई बार आपसे नहीं हुआ तो NIOS के किसी क्लर्कल मिस्टेक हो जाए, या फिर कोई अपडेट करते वक्त वहां पे जो है मिस्टेक हो जाए, तो मैनुअल मिस्टेक ज्यादा होती थी। लेकिन 2018 के बाद से, जब से ये सारा सिस्टम NIOS बोर्ड ने ऑनलाइन कर दिया है, तो ऐसे मिस्टेक्स होने के चांसेस रिड्यूस हो गए, लगभग 50-60% तो कम हो गया। क्योंकि ऑनलाइन करते वक्त तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन वहीं पे दिखा देते हैं कि अगर आप कोई चीज गलत भर रहे हो तो वहीं पे NIOS बोर्ड आपको फॉर्म में ही रोक देता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट, जिन लोगों का जो है पहले का है, और इतनी सारी मिस्टेक्स है कि आप ब्लेम नहीं कर सकते कि उनके तो नाम में भी अलग अलग हो गया है, डेट ऑफ बर्थ कहीं आगे चला गया, पीछे चला गया, तो वो लोग भी हैं। तो हम लोग बताएंगे आपको कि आप अगर किस सिचुएशन में हो, किस स्टेज में हो, और उसका जो है करेक्शन आपने कैसे करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम लोग जो आपको बातें बता रहे हैं ना, वो कोई हवा में नहीं है कि कुछ भी मन में आया वो बोल दिया। यहां पर ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, ये NIOS द्वारा दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अब ये नोटिफिकेशन तो पुराना है, 2022 का है, लेकिन 2022 में ये डिक्लेयर हो चुका था और तब से यही रूल चल रहा है। इसमें आया था कि क्या नए रूल्स आए हैं, क्या चीज हुआ है, यानी कि एग्जिस्टिंग नॉर्म्स क्या हैं, नॉर्म्स का मतलब होता है नियम, कि अभी मौजूदा नियम क्या है और अब रिवाइज नियम क्या हो गए हैं, और किन किन डॉक्यूमेंट का आपको जरूरत पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको इस डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ताकि आपको जो समझ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपको चेंज इन लर्नर्स नेम करना है, यानी कि कैंडिडेट के नेम में अगर आपको क्या करना है, चेंज करना है। चेंज करना है मतलब आपका माइनर मिस्टेक नहीं है, मेजर मिस्टेक है। तो यहाँ पर चेंज करने के लिए पहले क्या था, चेंज इन लर्नर्स नेम विल बी कंसिडर्ड विद इन द 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, कि रिजल्ट के डिक्लेरेशन होने तक 3 साल के अंदर अंदर ही आप उसको चेंज करा सकते थे। ये पहले जो है रूल था, नियम था। अब जो है ये रिवाइज हो गया। रिवाइज क्या हो गया, चेंज इन द नेम लर्नर्स विल बी कंसिडर्ड विदाउट एनी टाइम रेस्ट्रिक्शन। बहुत अच्छी बात है, विदाउट एनी टाइम रेस्ट्रिक्शन, यानी कि आपको 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल कितना भी हो गया है, आप जब चाहे तब कैंडिडेट का नाम को सही करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे, 2 newspaper विच इज डिजायर्ड चेंज हैज बीन पब्लिश्ड। आपको पता है न्यूज़पेपर में कुछ ऐड दिया जाता है कि मैं अपना नाम को चेंज करने जा रहा हूं, अब मेरा नाम ये नहीं, अब मेरा नाम ये हो गया है, और इस तरीके का एक पब्लिश करना पड़ता है आपको न्यूज़पेपर में, और वो भी एक भी 2 newspaper में। और ज्यादा बेटर होगा अगर आप 2 अलग अलग न्यूज़पेपर में दें, कोई रीजनल न्यूज़पेपर है, कोई आपका जो है पूरा नेशनल न्यूज़पेपर है, या फिर कोई इंग्लिश है और कोई हिंदी है, और अलग अलग डेट में भी दे तो ज्यादा बेटर होगा। उन दोनों की आपको जो कटिंग होती है ना, उसको जो है आपके पास लाना है, जो न्यूज़पेपर की कटिंग होती है जिसमें आपने जो है वो देना है। तो 2 न्यूज़पेपर में आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, और साथ साथ में एक गैजेट नोटिफिकेशन। अब ये गैजेट नोटिफिकेशन आपका जो रीजनल डिस्ट्रिक्ट होता है, जहां पे आपका ऑफिस होता है, जहां पे सारे नगर निगम के काम करे जाते हैं, जहां पे ये सारी चीजें होती हैं आपकी, वहां से आपको ये गैजेट का बनवाना पड़ेगा। ये गैजेट बनता है, इसके लिए आप किसी कोर्ट में जाकर विजिट करेंगे, तो वहां पर जब किसी एडवोकेट से आप संपर्क करेंगे तो वो आपको डिक्लेयर पूरी तरीके से बताएगा कैसे इसके लिए अप्लाई करा जाता है और कैसे गैजेट में नाम चेंज करना पड़ता है, उसके बाद आपको जो है ये अप्रूवल मिलता है। तो ये 2 चीजें रिक्वायर्ड रहेगी अगर आपको अपना नाम चेंज कराना है। टाइम पीरियड की कोई लिमिट नहीं है, जिसको करवाना होगा आप हमारे नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। हम लोग ने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, 9719101624, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जुड़िए, ताकि जो है आपको बता देंगे किस तरीके से हम लोग ये करते हैं। साथ में चेंज इन द लर्नर्स नेम, मदर नेम और फादर नेम। अगर मदर और फादर का नाम चेंज कराना है तो फिर क्या रूल है, तो यहाँ पे जो पहले था, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग फैक्चुअल एरर्स इन द लर्नर्स नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, मेक इट कंसिडर्ड विद द एक्चुअल रिकॉर्ड, करेक्शन विल बी कंसिडर्ड प्रायर टू द अपेयरिंग इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन और विद इन द 3 years। ये भी पहले 3 years की लिमिट हुआ करती थी, इसके लिए भी मदर फादर के नेम के लिए। अब इन्होंने क्या कर दिया, फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2018-19 ऑनवर्ड्स, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर्स, फैक्चुअल एरर्स, जो एक माइनर होती है छोटी मोटी, फादर नेम, मदर नेम विल बी कंसिडर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years। कितना पीरियड, 10 years, यानी कि जब आपने पास कर लिया हो उसके 10 साल के अंदर अंदर आप करवा सकते हैं। ये नए रूल्स आए हैं,
तो यहाँ पर आप अगर आपकी कोई फादर नेम मदर नेम में हुआ है तो बहुत आसानी से वो जो है हम चेंज करके दे देते हैं। उसके लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करिएगा, हम आपको पूरा डिटेल यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ये कराने के लिए आपको क्या चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट यहाँ पर इशूड बाय द कंसर्न म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अदर ऑफिसर। यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको ना, कोई अपना बर्थ सर्टिफिकेट या कोई आपका जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अप्रूवल लेटर जिसमें आपको बताया हो कि आपकी ये चीजें प्रॉब्लम हो रही है, तो ये करना है। और एक एफिडेविट आपको बनाना पड़ता है 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। 10 रुपए का स्टैम्प पेपर लेके एक एफिडेविट होता है जिसमें डिक्लेरेशन दिया जाता है कि मेरे फादर का नाम गलत हो गया, मेरे मदर का नाम ये है। तो ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत जरूरी है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो क्लास 10 की मार्कशीट वैलिड होती है उसमें, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सही है। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट। अब आ जाते हैं स्टूडेंट हम सबसे इम्पोर्टेंट में, जो कि है डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का इश्यू सबसे ज्यादा है यहाँ पर। तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि नोटिफिकेशन में करेक्शन इन डेट ऑफ बर्थ। पहले क्या हो जाता था, पहले होता था नो चेंज इन डेट ऑफ बर्थ वंस रिकॉर्डेड इन द NIOS रिकॉर्ड्स। मतलब कि अगर NIOS के रिकॉर्ड में कोई डेट ऑफ बर्थ चढ़ गया तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये पहले बताया गया था। हाउएवर करेक्शन टू रेक्टिफाई द जेन्युइन टाइपोग्राफिकल एरर्स, फैक्चुअल एरर्स कैन बी मेड। वो कह रहे हैं जबकि कोई अगर ऐसी कोई माइनर मैनुअल मिस्टेक्स हुई है तो उनका तो सुधार हो सकता है। करेक्शन इन डेट ऑफ बर्थ कैन बी कंसिडर प्रायर अपेयरिंग इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन और विद इन द 3 years ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एडमिशन। तो सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, पहले तो ये था कि भाई चेंज तो होगा ही नहीं, कि अगर आप बोलो कि 2004 है और मेरे को 2002 करके दे दो तो पहले तो मना कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, नहीं होगा आपका। और साथ साथ में यहां पर बताया गया था कि आपका तभी होगा अगर कोई माइनर मिस्टेक हो, जैसे मैंने बताया था कि करेक्शन है कि कोई आपका जो है मंथ चेंज है या कोई आपका जो है एक डेट चेंज हो गई है, उसका तो चेंज हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी बोला गया था कि 3 साल विद इन द 3 years, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन को 3 साल होना चाहिए, 3 साल के अंदर अंदर तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हम पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ये सिचुएशन हो गया खत्म, अब नया सिचुएशन आ गया। अब इन्होंने देखो क्या बोला है, अभी भी वही बोला है क्या, नो चेंज इन द डेट ऑफ बर्थ वंस रिकॉर्डेड इन द NIOS रिकॉर्ड शैल बी मेड। सबसे पहले तो वही बोला है कि कोई भी चेंज नहीं होगा यहाँ पर। हाउएवर यहाँ पर However, correction to rectify the genuine errors या factual errors can be made. वही लाइन यहाँ पे बोली है, लेकिन from the academic section 2018-19 onward, the correction in date of birth will be considered with a period of 10 years. अब देखो यहाँ पे क्या चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत important ये है कि देखिए अगर आपका ना correction है date of birth में जो मैंने अभी आपको समझाया था, तो आपका हो जाएगा date of birth change correction, ठीक है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मेरा तो चेंज कराना है, चेंज करना है, तो वो कह रहे हैं कि चेंज तो नहीं होगा, ये इन्होंने बोल दिया कि चेंज तो होगा नहीं, क्या होगा करेक्शन होगा सर, माइनर जो मिस्टेक होगा। और अब इन्होंने टाइम पीरियड बढ़ा दिया, इसका टाइम पीरियड कर दिया 10 years, कि 10 साल के अंदर अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, इसे चेंज करा सकते हो। तो चलो ये एक अच्छी बात है, इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई। साथ में हम बात कर लेते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे जरूरत है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि बर्थ सर्टिफिकेट, एक तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऑफिस ऑफ द सर्कल ऑफिसर, ब्लॉक ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या फिर आपका जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ जहां पर होता है उसका अगर कोई लेटर आपके पास है तो वो आपका कंसिडर करा जाएगा डॉक्यूमेंट नंबर 1 में, ठीक है। और सेकंड यहां पे भी आपको एक स्वर्न एफिडेविट देना है जो कि 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में बना के देना है, जिसमें आप डिक्लेरेशन करोगे कि मेरी ये करेक्शन होनी है। तो मेरे स्टूडेंट जनरली डेट ऑफ बर्थ या आपका जो फादर नेम, मदर नेम या कैंडिडेट नेम सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सही तरीके से अप्लाई करना है। और सही तरीके से अप्लाई करने के लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, हम बताते हैं कि कैसे जो है ये अप्लाई करा जाता है और ताकि जो है आपका करेक्ट हो सके डॉक्यूमेंट। तो स्टूडेंट अगर आपको कराना है सही तरीके से करेक्शन,
ताकि आपके डॉक्यूमेंट हो सके सही, क्योंकि डॉक्यूमेंट सही होना बहुत जरूरी है आगे करियर के लिए कहीं पे भी यूज करने के लिए। तो इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दो व्हाट्सएप नंबर है हमारे, जब आप इसमें हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी, एक्सप्लेन करेगी कैसे ये अप्लाई होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे ये डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो इन नंबर पर आइए, जुड़िए और हम आपकी इसमें जो है मदद करेंगे पूरी तरीके से कि आपका ये काम हो सके। आज का मेरा ये वीडियो अगर आपको बेनिफिट लगा हो, आपको कोई ना कोई जो है ऐसी चीज दिखी हो जिसमें आपके बेनिफिट के लिए हो, तो प्लीज जो है शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके के वीडियो में लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।